गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शर्मा बायो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको इंटर का एक से लेकर के संपूर्ण चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग 16 चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टरों को एक एक कर करके भाग यानी पार्ट में रख करके आपको बताएंगे और उनके बारे में गहन अध्ययन करवाएंगे। दोस्तों, ये जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। आपको पूरा नोट्स मिलेगा, जितनी भी सभी चीज़ें हैं आपको एक एक करके प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे केवल एक ही बात है कि आप इस वीडियो को एक लगन से देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, भाग एक है। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। दोस्तों, ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये जीव प्रायः जल में, वायु में तथा स्थल तीनों जगहों पर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये जीव मानव के लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। कुछ हमारे भोजन को खराब कर देते हैं तथा कुछ हमारे खेतों तथा उद्योगों में के निर्माण में उपयोगी होते हैं। ऐसे जीवों को हम निम्न श्रेणी में बांटते हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, जैसे उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक जो इस समय खादें आती हैं, यूरिया वगैरह ये सब आती हैं, वे सब सूक्ष्म जीवाणुओं से बनते हैं। तो कृषि क्षेत्र के रूप में, ऊर्जा उत्पादन के रूप में, जैव नियंत्रण के रूप में, औषध उत्पादन के रूप में, घरेलू खाद्य उत्पादों के निर्माण के रूप में, औद्योगिक उत्पादन के रूप में एवं वाहित मल उपचार के रूप में। दोस्तों, इन सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ा जाएगा, एक एक करके उनके बारे में विस्तृत नॉलेज लिया जाएगा। मेरा ये दावा है कि आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरा वीडियो केवल देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, पूरे बायो की बात करें, बायो में 90% से नंबर कम नहीं रहेंगे मेरे ही द्वारा बनाए गए नोट्स से। तो आइए दोस्तों, एक एक करके पढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में, दोस्तों इसमें पढ़ते हैं कि जैव उर्वरक की उपस्थिति से मृदा की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जैसे कवक, नील हरित शैवाल, ये सब दोस्तों मिल जाते हैं तभी जैव उर्वरक यानी जैव जो खाद आता है ये सब तभी बनते हैं। ये सब खाद बनने में निम्न जीवाणु, जैसे होता है कि एजो स्पायरिलियम, उसके बाद होता है एजोटोवैक्टर, ये प्रायः वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं जिससे मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। कुछ अन्य जीवाणु जो आप बहुत सुने होंगे, राइजोबियम, ये परस्पर दलहनी पौधों में, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, ऐसे पौधों की जड़ों में या सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उन्हें कार्बनिक रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। ये ऐसे जो होते हैं, तो ऐसे जीवों को हम कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी मानते हैं। दोस्तों, मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो दर्शाता है कि ये एक चने का पेड़ या फिर दलहनी का किसी पौधे का है। इसमें आपको जो गोले रंग का अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं, इसमें आपको ऊपर तना दिखाई दे रहा है, एक राइजोबियम दिख रहा है और एक जड़ दिख रहा है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उन्हें कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित कर देते हैं। ये परस्पर राइजोबियम होते हैं जो पौधों पर सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। अब सहजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो किसी जीव पर आश्रित होते हैं और उनको भी लाभ देते हैं और अपने भी लाभ लेते हैं, ऐसे जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही, अगली वीडियो में बताया जाएगा। नमस्कार।